नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप बंधन बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप एम बंधन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड के। यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है फिर भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो कैसे कीजिएगा चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, इससे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर से इसको डाउनलोड करना होगा। आप देख पा रहे हम इसको पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा आपके सामने इसका इंटरफेस मिलेगा। देखिए बोल रहा है वेलकम टू बंधन बैंक मोबाइल रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको कुछ पढ़ने के लिए मगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे में आपको फिर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए उसके बाद आपको इसको एक्टिवेट करने, देखिए आपको दो ऑप्शन ऊपर मिलेगा। पहला कस्टमर आईडी, आप अपना कस्टमर आईडी डाल के भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा अकाउंट नंबर डाल के भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे हम अपना कस्टमर आईडी डाल दिया। यहाँ आपको अपना कस्टमर आईडी डालना होगा। यदि आप कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कीजिएगा, यदि आप अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। अपने पासबुक से देख करके आप अपना अकाउंट नंबर या फिर कस्टमर आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे में देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम कार्ड अर्थात डेबिट कार्ड। यदि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। और यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो फिर भी आप इसके इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल पूर्वक वीडियो किए हुए हैं, आप बिना एटीएम कार्ड के इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आप उस वीडियो को जाकर के पहले देख लीजिएगा। उसके बाद जब आपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कीजिएगा और इसका यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएगा, उसी के माध्यम से आप इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मेरा इंटरनेट बैंकिंग बना हुआ है। उसके बाद हम इंटरनेट बैंकिंग को जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लिक कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए आपके सामने फिर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इससे पहले आपको नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना होगा। कैसे कीजिएगा वीडियो बना हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ से एक मैसेज सेंड करना होगा। आपको देखिए मैसेज सेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको मैसेज सेंड करना होगा। आप यहाँ से मैसेज सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ समय आपको वेट करना होगा, यहाँ से आप ऑटोमेटिक बैक आ जाइएगा। या फिर आपको बैक ना आए तो आपको थोड़ा सा बैक चले आना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए आपको कहा जाएगा। अपना जो भी बनाइएगा इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड, आपको वो पासवर्ड यहाँ डाल देना होगा। चलिए आपको डाल के दिखा देते हैं। जब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा फिर आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए देखिए आपके सामने फिर इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। देखिए पहले बोल रहा है लॉगिन पिन बनाने के लिए, जो भी आप अपना लॉगिन पिन डालना चाहते हैं अर्थात बनाना चाहते हैं छः अक्षर का आपको बना लेना होगा। देखिए यहाँ से आपको डालने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद नीचे में आपको न्यू ट्रांजेक्शन पिन अर्थात यहाँ से मनी ट्रांसफर वगैरह करने के लिए आपको फिर छः अक्षर का ट्रांजेक्शन पिन भी बनाना होगा, आपको यह बना लेना होगा। चलिए दोनों आपको बना करके दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हम लॉगिन पिन और ट्रांजैक्शन पिन दोनों डाल दिए। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऊपर फिर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिला। देखिए बोल रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। चलिए आपको फटाफट इन सभी क्वेश्चन का आंसर देख करके आपको आएगा प्रोसेस बता देते हैं। एंड जब आप सभी क्वेश्चन की आंसर दीजिएगा सक्सेसफुल सही से, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे में सबमिट का, फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक किया देखिए बोल रहा है कंग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीट मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अर्थात यहाँ से आप ये एक्टिवेट हो चुका। आपको फिर लॉगिन करने के लिए कहा नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। जैसे आप यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा देखिए बोल रहा है प्लीज इंटर योर लॉगिन पिन, तो यहाँ से आपको लॉगिन पिन डालना होगा जो भी आप अभी बनाएंगे अपना लॉगिन पिन। जैसे यहाँ से आप अपने इसमें सही लॉगिन पिन डालेगा, उसके बाद फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक किए तो आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा। आप यहाँ देख रहे हम इसमें लॉगिन हो गए। आपके इसमें इस प्रकार से इसका इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से आप कैसे सभी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सभी के ऊपर एक एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यदि आपका अकाउंट किसी और बैंक में आप उसके भी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।